अमिताभ बच्चन ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब। राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय को कहा नाचने वाली, तो भड़क गए ससुर अमिताभ बच्चन। राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाया अमिताभ बच्चन ने। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर वाराणसी में एक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद से पब्लिक राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रही है। दरअसल राहुल गांधी ने रैली में कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में किसी गरीब और दलित को नहीं बुलाया गया, जबकि बॉलीवुड के नाचने वाले अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। वहीं एक दूसरे रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि टीवी पर ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाते हैं, मगर गरीब की समस्या को नहीं दिखाते हैं। अब राहुल गांधी के अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय पर दिए बयान को लेकर खूब बवाल हो रहा है। बॉलीवुड के बाकी लोग जहां राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, वहीं पब्लिक राहुल गांधी को जमकर भला बुरा कह रही है। वहीं अब अमिताभ बच्चन को अपनी बहू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो सब कुछ एक तरफ रखकर शाम को अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वर्कआउट का समय, शरीर की गतिशीलता, दिमाग का लचीलापन, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके फैंस इस पोस्ट को राहुल गांधी को करारा जवाब बता रहे हैं। फैंस का कहना है दिमाग का लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य राहुल गांधी के लिए है। वहीं एक फैन ने कमेंट कर कहा कि ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहना ये साबित करता है कि राहुल गांधी पप्पू हैं।